दिल्ली सरकार को मुख्य सचिव नरेश कुमार के सेवा विस्तार मामले में सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने नरेश कुमार के सेवा विस्तार को मंजूरी दे दी है। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने फैसला सुनाते हुए केंद्र सरकार की ओर से मुख्य सचिव नरेश कुमार को दिए गए 6 महीना के सेवा विस्तार को हरी झंडी दे दी है। दिल्ली की आप सरकार ने नरेश कुमार के सेवा विस्तार का विरोध किया था। दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार 30 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं। केंद्र सरकार नरेश कुमार को कुछ दिनों का सेवा विस्तार देना चाहती है, जबकि दिल्ली सरकार को इस कदम पर आपत्ति है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से उठाए गए सवाल का जवाब देते हुए कहा है कि उसके पास ऐसा करने का अधिकार है और इससे पहले 57 बार मुख्य सचिवों के कार्यकाल को विस्तार दिया जा चुका है। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके उसकी सहमति से नए मुख्य सचिव की नियुक्ति की मांग की है। केंद्र सरकार की ओर से सर्वोच्च अदालत में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, दिल्ली देश की राजधानी है और केंद्र सरकार का विचार है कि नरेश कुमार को ही अगले 6 महीने तक बनाए रखा जाए। हालांकि मेहता ने यह भी साफ किया है कि नरेश कुमार को अगले 6 महीने तक ही मुख्य सचिव रखा जाएगा, जबकि नियमानुसार इससे अधिक विस्तार नहीं दे सकते हैं। एक दिन पहले भी इस मुद्दे पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में मंशा जाहिर की थी कि वो नरेश कुमार को ही सेवा विस्तार देना चाहती है। इस पर शीर्ष अदालत ने जानना चाहा था कि केंद्र किस शक्ति के तहत ऐसा कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा है कि क्या उसके पास सिर्फ एक ही व्यक्ति है, क्या इस पद के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS का कोई अन्य अधिकारी उपलब्ध नहीं है। अदालत ने केंद्र सरकार से यह बताने को कहा था कि किस आधार पर नरेश कुमार का कार्यकाल बढ़ाना चाहती है। मुख्य सचिव की नियुक्ति CM अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल VK सक्सेना के बीच विवाद की नई जड़ है। बिना किसी परामर्श के नए मुख्य सचिव की नियुक्ति या मौजूदा मुख्य सचिव नरेश कुमार का कार्यकाल बढ़ाने के केंद्र के किसी भी कदम के खिलाफ दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई हो रही है। दिल्ली सरकार और राजभवन के बीच अफसरों से जुड़े सेवा अधिकार को लेकर लंबे समय से टकराव रहा है।